हेलो फ्रेंड्स, यदि फिशर की तकलीफ है यानी टॉयलेट के जब चीरा हो गया मलद्वार के रास्ते में, गुदे द्वार में एक तिराड़ पड़ चुकी है, क्रैक पड़ चुका है, टेयर हो गया है, अलग अलग बोलने के तरीके हैं जिसे हम फिशर कहते हैं। यदि फिशर है तो बहुत ही सीवियर पेन होता है, बहुत ही आग लगे ऐसा लगता है, बर्निंग पेन होता है, जलन इतनी ज़्यादा होती है कि टॉयलेट के बाद आधा एक घंटा अगर तकलीफ ज़्यादा हो जाती है, टॉयलेट करने के टाइम आंसू आ जाते हैं, इतना दर्द हो रहा है, तो फिर आप फिशर के लिए ऑइंटमेंट सर्च करोगे तो मार्केट में अलग अलग ऑइंटमेंट के नाम पे क्रीम्स अवेलेबल है, जैसे कि एस्कॉट क्रीम है, फिडोनल ऑइंटमेंट है, एनोब्लिस ऑइंटमेंट है। तो ये मैं आपको आज बताने लगा आज हमारे वीडियो में कि एस्कॉट क्रीम है जिसमें निफेडिपिन और लिग्नोकेन है, ये कैसे काम करता है। बेसिकली एस्कॉट क्रीम है, ये 30 ग्राम के पैकेट में अवेलेबल है जिसमें एक साथ में एप्लीकेटर भी आता है। तो ये क्रीम को कैसे यूज करना है मैं आपको बताने लगा। यदि आपको फिशर है तो सबसे पहले तो आपको आपके डॉक्टर को या जनरल सर्जन को एक बार चेकअप करके डायग्नोसिस कंफर्म कर लेना है। यदि आपको एस्कॉट क्रीम यूज़ करना है तो इसमें मोशन पास करने के बाद एरिया को अच्छे से क्लीन कर देना है, वाइप कर देना है, गर्म पानी में एक बार सिकाई कर लेनी है जिससे आपको टॉयलेट की जगह पर दर्द कम हो। अगर दर्द कम होगा तो आप ये एप्लीकेटर के साथ लगाने में आपको आसानी होगी। काफ़ी सारे मरीज बोलते हैं कि टॉयलेट की जगह पर क्रीम लगाने के टाइम दर्द ज़्यादा हो जाता है, तो सिकाई करने से आपका दर्द कम होगा तो आपका एरिया रिलैक्स्ड होगा। अगर एरिया रिलैक्स्ड रहेगा तो फिर लगाने में आसानी रहेगी। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ट्यूब है जिसमें हमने एप्लीकेटर लगा दिया, ये एप्लीकेटर के आपको कैप को निकालना है और ये ट्यूब को पहले लुब्रिकेट कर देना है टिप को इसी ऑइंटमेंट से। इससे लगाने के टाइम आपको चुभन कम रहेगी। तो एक बार आपने ट्यूब थोड़ा सा बाहर निकाल दिया और उसको अच्छे से लुब्रिकेट कर दिया तो स्लाइड इजीली होगा। और एक बार आपने एनल कैनल के अंदर आपको ये एप्लीकेटर को लगाया तो 2 से 4 सेंटीमीटर अंदर लगाने के बाद आपको जेंटली स्क्वीज करना है जिससे ऑइंटमेंट आपको एनल कैनल के अंदर लगेगा। यदि ये ट्यूब एनल कैनल के अंदर फिशर की जगह पे लगता है तो आपको दर्द में इजीली राहत हो जाएगी। तो ये थी एस्कॉट क्रीम को कैसे लगाने की बात। इसमें निफेडिपिन आता है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और लिग्नोकेन आता है जो लोकल एनेस्थेटिक है। निफेडिपिन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो खून की नस को डायलेट करता है, माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जिससे फिशर का घाव जल्दी भरता है। और जो लिग्नोकेन है या लाइडोकेन है ये लोकल एनेस्थेटिक है जो आपका पेन सेंसेशन कम करेगा, इरिटेशन कम करेगा, बर्निंग पेन भी कम करेगा। तो ये थी कुछ बेसिक यूजफुल फैक्ट्स एस्कॉट क्रीम को कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है, इसमें क्या कंटेंट्स है और इसको एप्लीकेटर के साथ कैसे यूज करना है। ये क्रीम लगाने के बाद आपको पेन इंस्टेंटली रिलीव हो सकता है और आप वापस आपका डे टू डे एक्टिविटी में ज्वाइन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको आपके एक बार डॉक्टर के पास बराबर से चेकअप और डायग्नोसिस कंफर्म कर लेना है, कहीं कुछ और बीमारी तो नहीं है। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपके कमेंट क्वेश्चन बॉक्स में टाइप कीजिए। धन्यवाद।